आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अरविंद केजरीवाल का दावा, पंजाब चुनाव से पहले ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल हॉल में दी नेताजी को श्रद्धांजलि। यूपी टीईटी 2021 पेपर फिर लीक, इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही कई प्रश्न पत्र। राज बावा ने शिखर धवन के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, हासिल की बड़ी उपलब्धि। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,33,000 केस दर्ज, सक्रिय मरीजों की संख्या 21 लाख के पार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की खबर। औरैया से है, जहां शहर स्थित सुभाष चौक पर लगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चित्रांश सभा के पदाधिकारियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। संरक्षक ज्ञान सक्सेना ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। उन्होंने बताया था कि आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। मुझे ये नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेगा, परंतु मैं ये जानता हूं अंत में विजय हमारी होगी। तो आज 125वीं जयंती मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और देश इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। वहीं औरैया में भी काफी उत्साह के साथ इस पराक्रम दिवस को मनाया जा रहा है। शहर में स्थित तो सुभाष चौक पर लगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चित्रांश सभा के पदाधिकारियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प समर्पित किया। संरक्षक ज्ञान सक्सेना ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। आज 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में समाज के चित्रांश समाज के लोगों ने माल्यार्पण की है, और ये हम लोग हर साल करते हैं। 23 जनवरी का दिन पूरे भारतवर्ष में सुभाष जयंती के तौर में मनाया जाता है। आज हमारे चित्तान समाज के लोगों ने, चित्तान सभा के लोगों ने बढ़ चढ़कर सुभाष जयंती को मनाया और सुभाष चौक पर स्थित सुभाष प्रतिमा पर माल्यार्पण पर। हाथरस विधानसभा से आगरा की पूर्व मेयर अंजुला माहौर के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद, पहली बार प्रत्याशी बनने के बाद अंजुला माहौर भाजपा जिला कार्यालय पहुंची, जहां जिला अध्यक्ष हाथरस गौरव आर्य और जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय और अन्य पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने हाथरस जिले के विकास की बात भी कही। अब देखना यह होगा कि हाथरस में उनके विरोध के चलते उनकी विधानसभा तक पहुंचने की डगर कितनी आसान हो पाएगी। कहा है नेतृत्व से भी मैं आग्रह कर रही हूं, और पूर्व में मैंने कह दिया कि मेरे लिए छोटा सा घर यहां तलाश कर दीजिए, ताकि मैं यहीं आपके बीच में रह सकूं। मेरे परिवार में मेरे पतिदेव जो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है, असिस्टेंट कमिश्नर GST और अलीगढ़ में पोस्टेड है, और मेरे पास दो बेटियां हैं, बड़ी बच्ची हमारी डॉक्टर है जिसकी हमने शादी कर दी है, और दामाद भी मेरा डॉक्टर है, जनरल सर्जन, और छोटी बेटी मेरी RML राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है NIU, उसमें चौथे साल की स्टूडेंट है। तो यानी दो बच्चियां मेरे पास है और दोनों की जिम्मेदारी से मैं मुक्त हूं। पतिदेव अलीगढ़ में पोस्टेड है, तो अब तो आपके बीच में रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, जनता की सेवा। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सपा जी जान से जुटी है। वहीं यूपी में भी काबा गाने की लड़ाई में कूदे सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने गाने के जरिए बताया कि यूपी में काबा। तो चलिए सुनते हैं कि अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा है। ए भैया,
यूपी में का बा हो यूपी में? अरे मत पूछा दादा, यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, झूठ के अंबार बा। और सुनबा का बा, शिक्षा बदहाल बा, स्वास्थ्य के बुरा हाल बा, जनता कंगाल बा। अब का हुई, जनता के पुकार बा, अखिलेश के प्रहार बा, और भाजपा के हार बा। यही तो भाई। मथुरा में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने पर 10 गाड़ियां निरस्त हो गई हैं। वहीं 13 गाड़ियों का रूट बदल दिया गया है। आगरा दिल्ली रेल मार्ग पर मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरने पर रेल मार्ग बाधित हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों का मार्ग निरस्तीकरण किया जा रहा है। दरअसल मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें सीमेंट भरा हुआ था, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से पटरियों से मालगाड़ी उतर गई है और इसकी जैसे पूरा रूट बाधित हो गया है। इस मालगाड़ी में सीमेंट भरी हुई थी और एक बड़ा हादसा होने से बचा है, बाल बाल बचा है। 13 गाड़ियों का रूट बदला गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, मथुरा से पटरी से मालगाड़ी उतर गई है, एक बड़ा हादसा होते होते बचा। कई गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं और कई गाड़ियों के रूट बदल दिए गए हैं। मऊ में सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इंडिया की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, टीच वन सेव वन अभियान के तहत शारदा नारायण हॉस्पिटल के सहयोग से हॉस्पिटल में ऑटो एसोसिएशन चालकों के लिए निशुल्क जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन शारदा नारायण हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह और अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत सिंह ने किया। कार्यक्रम में 40 चालकों के शुगर की जांच की गई है। इस अवसर पर शारदा नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि हॉस्पिटल चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर सतीश सिंह और सुरेश सिंह मौजूद रहे। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, चेयरमैन ने इसका उद्घाटन किया है। जितने ऑटो रिक्शा चालक है उनके लिए निशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। मऊ से ये खबर सामने आ रही है, जहां चेयरमैन ने इस अच्छी पहल का शुरुआत की है। आज सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इंडिया और शारदा नारायण हॉस्पिटल के तत्वावधान में आज जो हमारे टेम्पो चालक लोग हैं और टैक्सी एसोसिएशन के लोग हैं, उनको CPR और DLS का ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये हमारे सोसाइटी फॉर इमरजेंसी इंडिया का ये प्रोग्राम है। चूँकि ये लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं और लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो कई बार सड़क में घटना दुर्घटना हो जाती है, तो ये पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से एक होते हैं। तो इसलिए इनको ये CPR की ट्रेनिंग दी जा रही है, DLS की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ये उन लोगों की मदद कर सकें जो घटना दुर्घटना के समय सड़क पर मिलते हैं और सही समय से ये CPR करते हैं। पीलीभीत जहानाबाद चेयरमैन की बेटी ने सदर विधानसभा से भाजपा विधायक संजय गंगवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो संजय पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की बात कह रही है। दुर्गा चरण की पत्नी जहानाबाद से चेयरमैन है और वो बसपा से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है, मेरा पिता का नाम दुर्गा चरण उर्फ अन्ना भाई है, जो 127 विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे थे। मेरे व मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, शासन पर दबाव बनाकर आए दिन हम पे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमने 3 साल से सबको झेला, मैं और मेरी माँ अकेले इस घर में रही, हमारा कोई भी नहीं था। हमने अपने पिता को जैसे तैसे करके छुड़वाया, हम बहुत परेशान हैं। 127 विधानसभा से सदर संजय सिंह गंगवार 3 साल से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते हम चुनाव लड़ें, लेकिन हम जान दे देंगे लेकिन चुनाव लड़ेंगे। आप व आपका पूरा परिवार भी अगर हमारी परेशानी सुनेगा तो आंसू निकल आएंगे उसके। मेरा व मेरा पूरा परिवार कहाँ चला जाए, मेरा 16 साल का भाई उसे भी नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा, मुझ पर 354 जैसे मुकदमे लिखवाए। मेरी माँ इतनी परेशान है।
खबर आगरा से है, जहां पर प्रभावी मतदाता कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आगरा पहुंचे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। छावनी विधानसभा की सदर बाजार इलाके में जनसंपर्क करने पहुंचे दिनेश शर्मा, लोगों के घर पर स्टीकर लगाए। डिप्टी सीएम महिला सुरक्षा पर महिलाओं को यूपी सरकार ने कई योजनाएं दी हैं, इस बात को भी कहा। तो आगरा से ही खबर सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया और साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार ने कई ध्यान दिया है, कई योजनाएं लेकर आई है और साथ ही साथ लोगों से जनसंपर्क भी किया, लोगों के घर गए, स्टीकर लगाए, प्रभावी मतदाता कार्यक्रम में डिप्टी सीएम पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जगह जगह जनसंपर्क के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से अपने मतदाताओं से संपर्क में लगा है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी के समन्वय से विकास के कार्य हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी को मिला के ये तीन डिजिट में भी आने वाले नहीं हैं और बीजेपी पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी, जीत का अपना और साथ में 50% से ऊपर अंक मत पाके और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बहुमत से बनाएगी। ये महागठबंधन पहले हुआ था, सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन आज तक नहीं हुआ और कांग्रेस ने बाहर से उनको समर्थन दिया, वो चुनाव हारे, बुरी तरह हारे। अब की तो गठबंधन भी नहीं है और कुछ एक दो दलों का जो गठबंधन है जिनका प्रभाव नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर कोतवाली ग्लास के गांव बेसब के पास तीव्र गति से आ रही एक कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद अनियंत्रित हो गई और कार हवा में पलट गई, मौजूदा खेत में जा गिरी। आसपास के लोगों में कार को इस हालत में देखकर हड़कंप मच गया। कार में मौजूद लोगों को स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, साथ ही मौके पर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायलों का इलाज करवाया जा रहा है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है अलीगढ़ में, जहां पे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद वो हवा में पलट के खेतों में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए CHC पहुंचाया गया। खबर फतेहपुर से है, जहां पर रात में भीषण बारिश हुई है और इस बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। फसलों के नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही कड़ाके की ठंड ने बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से पशुपालकों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। वहीं ग्राम पंचायतों में अलाव जलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी भी नहीं कर पा रहा है, तो बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ठंड पड़ रही है तो वहीं किसानों को भी भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। फसलों के खराब होने का अनुमान जताया जा रहा है, किसानों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। फतेहपुर से ये खबर सामने आई है, जहां किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं, फसलों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। कड़ाके की ठंड है, बुजुर्गों, बच्चों, युवाओं सभी को घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम का जो मिजाज लगातार बदलता जा रहा है, उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ठंड से पशुपालकों के चेहरे भी मायूस हो गए हैं। ग्राम पंचायतों में अलाव जलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मौसम विभाग सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है।
समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली अपर्णा यादव रविवार को लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब वो अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने गई थी तो उन्होंने विजयी भव कहा था। अपर्णा ने यह भी कहा कि अगर हमें देश को बचाना है तो एक बार फिर बीजेपी सरकार को लाना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है अपर्णा ने, आप भी सुनिए। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे यहां उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधु एवं सम्मानित मंच, आप सभी को सादर नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे बीच में जो मंच है, सभी बहुत ही तेज तरार महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेशली वेलकम श्रीमती अपर्णा यादव जी इन टू द बीजेपी गोल्डन फैमिली एंड प्रियंका मौर्या जी, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूं। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूं, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में दो बार, चाहे वो जो भी योजना हो, मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। सारी योजनाएं जो है 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूं वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूं, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूं और खुद महिलाओं के बीच रहती हूं, महिलाओं के आशीर्वाद से विधायक बनके सदर से रायबरेली को रिप्रेजेंट करती हूं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अर्चना मिश्रा जी का, जो प्रदेश की मंत्री हैं, आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी का जो लखनऊ की महापौर हैं, आदरणीय श्रीमती अदिति सिंह जी का जो विधायिका हैं रायबरेली से, श्रीमती प्रियंका मौर्य जी का जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है अभी, आदरणीय श्री गोविंद शुक्ला जी का जो प्रदेश महामंत्री हैं, और आदरणीय श्री मनीष दीक्षित जी जो मीडिया के प्रभारी हैं, और सीता नेगी जी का भी जिन्होंने मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूं कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। और मैं बताना चाहती हूं कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूं इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है, किम औषधि, उनसे पूछा गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।